जरूरत है तो आप मीडिया कर्मी के सहयोग की, सारा जो राजनीतिक जो यहाँ पर अधिकारी है उनके, और जो हमारे नगर परिषद और हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन सभी अधिकारियों की के हस्तक्षेप की जरूरत है कि वो यहाँ पर आके थोड़ा सा रिसोर्सेज को मॉडिफाई करें और इस प्लेस को बहुत अच्छा एक डेवलप कर सकते हैं, एक वर्ल्ड फेम इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। और डेफिनेटली टूरिस्ट प्लेस बनेगा, आप अपने पास का ही देख लीजिए, सवाई माधोपुर देख लीजिए, आप भरतपुर देख लीजिए, आज वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डेवलप इंडस्ट्री है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, तो ऐसी एक इंडस्ट्री यहाँ पर भी डेवलप हो सकती है और एक रेवेन्यू का बहुत अच्छा जरिया अपने शहरवासियों के लिए हो सकता है। नहीं, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, बहुत सारे दर्शक हमारे ये पूछ रहे थे कि एक्सरे पर हाथ गुजारने वाले 206 हड्डियां दिन भर गिनने वाले जो डॉक्टर हैं, अगर ये जुनून किस तरह, क्योंकि मैं देखिए आप कहते हैं ना कि एक शौक होता है हर आदमी का, एक बचपन कहीं ना कहीं जिंदा रहता है हर व्यक्ति में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना, उनको वक्त दे पाना, ये जुनून पैदा हुआ कैसे? मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ है आपके जो बहुत करीब से और रेयर फोटो है, ये जुनून कैसे पैदा हुआ? देखिए मैं बताऊं आपको, ये 10 साल पहले की बात है। सबसे पहले जो मेरा कैमरा, एक मिनट देना, ये कैमरा देना, ये मेरा फर्स्ट कैमरा है जो मुझे गिफ्ट किया गया था मेरी धर्म पत्नी के द्वारा मेरे बर्थडे पर। तो ये कैमरा था जिसने मुझे ये शौक जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। तो इस कैमरे से मैंने फोटोग्राफी सीखी, फोटोग्राफी के बेसिक सीखे। फिर एक्चुअली क्या है, बीइंग ए डॉक्टर मुझे जो है एक स्ट्रीट फोटोग्राफी या कैंडिड फोटोग्राफी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा है। तो मुझे थोड़ा सा फिर बर्ड और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का थोड़ा शौक लगा कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर मैं सुकून अकेले में जाकर और मैं क्लोजली जो है नेचर के करीब जा सकता हूँ, वाइल्ड लाइफ के करीब जा सकता हूँ और मैं अपना एक शौक भी पूरा करूँगा। तो वो मैंने धीरे धीरे शुरू किया। तो बर्ड वॉचिंग के लिए डेफिनेटली फिर मुझे प्लेस भी अपने आसपास नजर आए, ढूंढनी पड़ती है। तो अब वर्ल्ड फेम प्लेस तो है, केवला देव नेशनल पार्क है, रणथंबोर सेंचुरी जहाँ पर मैं फ्रीक्वेंट विजिटर रहा हूँ। फिर मुझे कुछ जो फोटोग्राफर्स मेरे फ्रेंड्स हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना आप गंगापुर शहर के आसपास ही सर्च करें, वहाँ पर भी आपको पोटेंशियल मिल सकता है। तो मैं काफ़ी 5-6 साल तो मैं भट्टा गामड़ी का जो तालाब है वहाँ पर मैं बर्ड वॉचिंग करता रहा। तो मेरे फेसबुक पर मैं फोटोग्राफ शेयर करता हूँ, ग्रुप में करता हूँ, मेरे इंटरनेशनली कई फोरम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर वो फोटोग्राफ मैं शेयर करता हूँ जिसमें भट्टा गामड़ी का कई बार जिक्र आता है। लेकिन अभी पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो तालाब बिल्कुल सूख चुका है और वहाँ पर बर्ड्स का जो है अभी कोई भी वहाँ पर जो है ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। तो इस कारण वहाँ से मैं फिर मूव किया। इस साल मैं ये नाजिम वाला तालाब पर मैंने सर्च करना शुरू किया। तो पिछले 3 महीने से मैं यहाँ देख रहा हूँ जी। 3 महीने से जब मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया तो कम से कम 50 से अधिक जो है मुझे माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी वो बर्ड जो कि सुदूर देशों से आई है, वो यूरोप, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो पक्षी अब हम देख रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल ये सब विदेशी पक्षी हैं, ये सब माइग्रेटरी हैं और ये आपको अभी फरवरी एंड है मार्च तक ये सब यहाँ से चले जाएंगे, यानी ये विदेशी मेहमान हैं जो अपने यहाँ पर आते हैं। अब ये जब मैंने शेयर किया और जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया 50 से अधिक यहाँ पर प्रजातियाँ बर्ड्स की, वो मैंने आइडेंटिफाई की, उनको मैंने शेयर किया, तो सभी में बड़ा कौतूहल जागृत हुआ। अब जो ऑलरेडी जो बर्ड वॉचर्स हैं जो ऑल ओवर मेरे इंटरनेशनली जो फोरम में जिनसे जुड़ा हुआ, उनको तो एक वो है ही है, उनको तो उत्सुकता जगी है, तो वो इस प्लेस को विजिट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई इस प्लेस पर आए। तो ये अगस्त से लेके और फरवरी का जो महीना होता है ये पीक सीजन होता है बर्ड वॉचिंग के लिए, तो डेफिनेटली ये सीजन तो निकल चुका है, लेकिन अगले सीजन की हम तैयारी करें, यानी कि जो विदेशी मेहमान जो पक्षी आ रहे हैं इनके साथ जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे या हमारे देसी मेहमान यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी हम एक माहौल यहाँ पर क्रिएट करें कि वो यहाँ पर आके और उनका जो बर्ड वॉचिंग का एक्सपीरियंस है उसको वो प्रॉपरली ले सके। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए अब मैं एक कॉमन मैन ठहरा, तो डेफिनेटली ये मुझे हेल्प चाहिए आप मीडिया कर्मी की जो इस प्लेस को जो हाईलाइट करें और पता कि कितना खूबसूरत प्लेस है, और ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए जो है आप, और इसमें फिर हमारे नगर परिषद सभापति हैं वीरू जी, वो भी जो है आए हैं और उन्होंने भी जो है इसको अवलोकन किया है। अभी इनकी तादाद कितनी है, लगभग कितनी संख्या? अभी ये देखिए जो आप पेलिकन्स यहाँ पे देख रहे हैं वो 200 की संख्या में, यहाँ पे 200 से भी यहाँ देखे, तो ये सब यूरोप। अब इसका सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पेलिकन जितने भी हैं यहाँ पर जो सर्दी का समय होता है उस समय को यहाँ पर ये पास करते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही मार्च का समय होगा ये वापस अपने देशों में चले जाएंगे। तो जनरली यूरोप एशिया इधर की जो कंट्री है वहाँ से ये पक्षी और फिर वापस चले जाते हैं। आगमन कब होगा इनका दोबारा? अभी बस वापस वही अगस्त सितंबर के माह में इनका आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्यों यही क्यों इंडिया के बहुत सारे जगह पर ये प्रवासी पक्षी जो है आते हैं, भारत का क्या माहौल वाकई में
उस समय के लिए इनके लिए माहौल रहता है। बिल्कुल यही होता है। एक्चुअली क्या, जो अगस्त सितंबर का महीना शुरू होता है तो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जो सर्दी वाले इलाके हैं उस इलाके से जो आते हैं वहाँ पर बर्फ जम जाती है, वहाँ पर भोजन पानी की इनकी जो है वो व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाती है, तो उसको उसके लिए वो समय निकालने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, एक पक्षी की इतनी बड़ी खासियत होती है कि वो इतने सुदूर देशों से यात्राएं कर लेते हैं, आसानी से भूलते भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक 12-हेडेड गूज का एक झुंड जो है वो मैंने यहाँ पर देखा, जो अभी यहाँ जा चुका है वो, तो अब वो देखिए वो हिमालय की हाइट 8000 मीटर की हाइट है, उस हाइट को पार करके यहाँ पर आते हैं और वो 1600 किलोमीटर एक दिन में सफर तय करते हैं। अब उनकी वो देखिए, अभी पाई डाइवोसेट का दिख रहा है मेरे सामने, दिख रहा है।